Impressive. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का GT4 के न्यू एपिसोड में। इस वाले एपिसोड में हम लोग बाय करने वाले हैं KTM। तो KTM RC390 हम लोग बाय करने वाले हैं GT4 के अंदर। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो मार्क मैंने लगा दिया है, तो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और मार्क यहाँ पर मैं लगा दिया। तो यहाँ पर शोरूम है और यहीं पर हमें मिलेगी KTM RC390। तो ये गाड़ी का नाम है सुपर GT। तो चलो इससे चलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे शोरूम, जो भी है ये यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगी अपनी KTM RC390। यहाँ पे यामाहा भी खड़ी है, ये देख सकते हो यामाहा ये नीचे लिखा। तो हम कभी किसी और दिन बाय करेंगे या फिर चुराएंगे यामाहा। अभी हम अपनी KTM ले लेते हैं। तो KTM मैंने ऑलरेडी बाय कर ली थी, बस मुझे इसको डिलीवरी मेरे घर तक नहीं हो रही थी, तो मुझे यहीं लेने आना पड़ा। तो गेट क्यों नहीं खुल रहा, पता नहीं गेट क्यों नहीं खुल रहा। तो यहाँ से आके इससे पूछ लेते हैं भाई KTM कहाँ मिलेगी। तो भाई मैंने इससे पूछ लिया है कि KTM कहाँ पर मिलेगी, तो वो बाहर खड़ी है, ये देख सकते हो ये बाहर खड़ी है। तो चलो इस पर बैठ जाते हैं। तो ये KTM RC390, पता नहीं कितने बार बोलूँगा मैं। तो ये KTM वाइट और ऑरेंज कलर में है, देख सकते हो KTM लगा है और काफ़ी अच्छी बाइक है। तो आवाज़ भी आप सुन सकते हो। तो स्मोक से पता निकल नहीं रहा, पता नहीं, ठीक है बाद में मॉडिफाई करवा लेंगे। तो अभी हम चलेंगे एयरपोर्ट पे, इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे कितने तक इसकी स्पीड जाती है, तो देख लेते हैं। तो कहा जाता है इसकी स्पीड कम से कम 175 तक तो इसकी जाती है, तो देख लेते हैं वहीं अपन एयरपोर्ट पे जाके। तो वही एयरपोर्ट पे तो हम लोग पहुंच चुके हैं, बस रनवे यहीं पर आ गए। मैप पर देख सकते हो जहाँ पर ग्रीन लाइन दिख रही है ना मैप पर, वहीं पर जाना है। तो यहाँ से राइट मुड़ना है और ये आ चुका, दरवाजे खोलेंगे, दरवाजे नहीं जो भी डंडी हैं लकड़ी वाली। तो एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँच चुके हैं। पर ये जो GT4 है ना, इस गेम की एक ख़राब बात ये लगती है कि इसमें अपन उस एरोप्लेन में नहीं बैठ सकते। जैसे आप ये सामने देख रहे हो इतना बड़ा है, तो इसमें तो अपन नहीं बैठ सकते। पर ये जो छोटे वाले इसमें भी आप नहीं बैठ सकते। तो इसमें गेम में सिर्फ हेलीकॉप्टर्स हैं, पर आप एरोप्लेन में नहीं बैठ सकते। हेलीकॉप्टर्स में बैठ सकते पर एरोप्लेन में नहीं बैठ सकते, पता नहीं क्यों नहीं बैठ सकते। तो रनवे यहीं पे सामने है, तो करेंगे अपनी KTM की स्पीड टेस्ट। तो रनवे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। तो नीचे सबसे नीचे राइट साइड पे आप स्पीडोमीटर देख सकते हो, तो 175 से ऊपर लेके जानी है। तो देख लेते हैं कि कितना होगा, 120 तो हो चुकी है, ठीक है 130, 140 भी हो गई, ठीक है 150, 170 तक चली गई थी, पर अब हम फिर से करेंगे 175 से ऊपर लेके जानी। वन एट्टी तक हो गई थी। तो 180 तक इसकी स्पीड हो गई थी। तो एक बार फिर से करते हैं, और सामने से एरोप्लेन आ रहा है, तो क्या हम लोग इसको पार कर पाएंगे, तो हो जाएगी। तो 180 तक इसकी स्पीड जाती है, 180 तक, 181 तक हो गई। तो इसकी स्पीड सिर्फ 180 तक जाती है। तो अब हम व्हीली भी मार लेते हैं,
160 की स्पीड में वीडियो ले रही है, तो ठीक अच्छी बात है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, होप आपको अच्छी लगी होगी। तो आज इस वीडियो में हमने KTM RC390 बाय की, तो अगली वीडियो में भी हम बाय करेंगे और चुराएंगे भी गाड़ियाँ वगैरह बाय करेंगे, चुराएंगे बहुत कुछ करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dead.